कटलेस का बड़ा रोल है। ये मान लो क्लोरोफॉर्म, जब भी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में बेटा, तो बनता है COCl2, फॉस्जीन गैस बनती है, फॉस्जीन गैस प्लस वाटर बना लो, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक ना। ये बनता फॉस्जीन गैस, और जो फॉस्जीन गैस है सबको पता है ये हाईली हाईली टॉक्सिक गैस होती है। तो यार जब भी क्लोरोफॉर्म रखा जाता है तो कोशिश यही होती है कि क्लोरोफॉर्म जो है एयर के कंटेक्ट में ना आए और सनलाइट के कंटेक्ट में ना आए। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर हम 1% इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं ऐसे नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जो ये इथाइल अल्कोहल डाला आपने, अगर गलती से फॉस्जीन गैस बन गया तो ये इथाइल अल्कोहल कंबाइन विद द फॉस्जीन गैस एंड फॉर्म द इथाइल कार्बोनेट व्हिच इज द नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट। तो देखो ध्यान से, पहला इफेक्ट का देखा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ ये, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर बता दिया आपको, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बता दिया, एक दो फैक्टर और है फिर डिस्कस करते हैं, रुक जाओ, इतना हो गया बेटा लो आओ। तो देखो चलिए एक दो फैक्टर और डिस्कस करते हैं। चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगला जो फैक्टर बता रहे हैं आपको दैट इज, आ जाइए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो देख जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जो रिएक्शन बेटा फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी चेंजेस। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए तो देख ये है मीथेन, करा रहे हम क्लोरीनेशन। तो जब भी क्लोरीनेशन होता है बेटा मीथेन का या अल्केन का, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो देख यहां पर मैंने नो लाइट, लाइट दिया ही नहीं, मतलब डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं, तो बिल्कुल देखोगे यहाँ रिएक्शन हो गई नहीं, नो रिएक्शंस। अब क्या मैंने लाइट की थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा दी और कर दिया डिफ्यूज लाइट कर दी, थोड़ी सी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो देखो को रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, सिलेक्शन हो गया, अब स्लो रिएक्शंस हो गए। और अब कर दो ब्राइट लाइट कर दो और इंटेंसिटी बढ़ा दो, तो देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगला फैक्टर होता है बेटा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया तो देख अगर कोई भी रिएक्टेंट या कैटलिस्ट पाउडर फॉर्म में हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सिंपल से याद रखो, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस। अगली बात की मैंने एक्टिवेशन एनर्जी के, अगला फैक्टर एक्टिवेशन एनर्जी। देखो तभी बात किया था जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना रेट फास्ट होगा, तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, सिंबल ये होता ई है एक्टिवेशन एनर्जी। और अभी बात किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ठीक ना। और लास्ट फैक्टर है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहली वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी आ जाओ, लास्ट फैक्टर जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जनरली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन,
इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो जनरली बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक, और ऑन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 to 3 टाइम्स। बट जब भी 2 और 3 के बीच में होता, 2 से बड़ा 3 तो कभी नहीं होता, 2 और 3 के बीच में कुछ ना बोला जाए तो हम जब भी प्रॉब्लम्स लगाएंगे तो 2 मंथ्स के लगाएंगे, ठीक ना। एंड न्यू रेट विल बी देखिए, अगर नया रेट निकाला जाए आर डैश तो 2 के पावर T2 - T1/10 कर देना, 2 के पावर है ये, तो नया रेट यहाँ से आ जाएगा। जैसे इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लगा के वीडियो यहीं बंद करते हैं, क्योंकि बेटा घड़ी में हमारे 10 बजने वाले हैं। चलिए आइए, तो देख इसका क्वेश्चन लगाते हैं। इफ इन ए रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 60 डिग्री सेल्सियस देन न्यू रेट विल बी। देख बेटा, तो T1 कितना था पहले, इनिशियल टेम्परेचर जो था आपका 20 डिग्री सेल्सियस था, और T2 कितना था 60 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ, हमें नया रेट निकालना है, फॉर्मूला बता, 2 के पावर T2 - T1/10 T2 कितना है 16 - 20/10, तो 2 के पावर कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 2 के पावर 4 सॉल्व कर लेगा तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा रेट। क्लियर, तो न्यू रेट विल बी 16 टाइम्स हो जाएगा पहले से, या इसी को सॉल्व कर सकते थे ऐसे भी हाइपोथेटिकल। देख पहले कितना था तुम्हारा टेम्परेचर, 20 से कितना बढ़ा 30 हुआ, 40 हुआ, फिर कितना हुआ 15 हुआ, फिर कितना हुआ 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ कितना टाइम्स बढ़ा 2 टाइम्स, यहाँ कितना बढ़ा 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, तो कितना हुआ 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब 16 टाइम्स हो गया, न्यू रेट विल बी 16 टाइम्स। ऐसे भी कर सकते हो, लिखा है ना, ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 टाइम्स लेके चले आप, 2 टाइम्स नियरली टू टू 3 टाइम्स होता है। दीज आर द फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, देख लिया आपने, तो सारे फैक्टर मैंने डिस्कस कर लिया। पहला था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ, बोल मेरे साथ, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सेकेंड था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगला था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उसके बाद पढ़ाया था इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पढ़ाई थी, उसके बाद लास्ट फैक्टर मैंने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑल दिस फैक्टर विल इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हो बेटा, लास्ट में एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कुछ बताया और ग्राफ के बारे में बताया, उसे ज्यादा डिस्कस करेंगे आगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे अलग से ही कोलिजन। ठीक, कोलिजन के अंदर, कोलिजन थ्योरी के अंदर इसको डिस्कस करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, आरएनएस फैक्टर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन बी एक्सप्लेन बाय द आरएनएस फैक्टर। ये पूरा एक लेक्चर होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, विच कैन बी एक्सप्लेन बाय द आरएनएस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। ठीक ना, इतने रखते हैं वीडियो, अगला जो वीडियो लाएंगे वो रहेगा रेट कॉन्स्टेंट के ऊपर। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो रेट ऑफ कॉन्स्टेंट के आएंगे, और जो आप डिमांड करते रहेंगे वो टॉपिक आपको पढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, चलिए, बाय बाय।